बेब्लेड का मर्चेंडाइज हम सभी बेब्लेड फैंस को बहुत ज्यादा पसंद है। बेब्लेड का मर्चेंडाइज बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है बेब्लेड को इतना फेमस करने के लिए। जब भी हम लोग बेब्लेड का मर्चेंडाइज को यूज करते हैं या फिर मैं यू कहूँ कि इस्तेमाल करते हैं, तो हम सभी लोग एज एन एनिमे कैरेक्टर मीन्स उस बेब्लेडर का जगह पे अपने आप को फील करते हैं जिस बेब्लेडर का हम लोग बेब्लेड स्पिन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेव एल्ड्रेक अगर मैं स्पिन करवा रहा हूँ या फिर मैं यू कहूँ अपने फ्रेंड लोग के साथ ब्रेव एल्ड्रेक और कोई दूसरा बेब्लेड से बैटल करवा रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर वर्ल्ड का फीलिंग को गाइस महसूस करता हूँ। अब मुझे ये पता नहीं कि सबके साथ होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये सभी फीलिंग्स कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि जो फन स्कूल है उसने बेब्लेड को जापान से इंडिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। लेकिन गाइस कुछ महीनों पहले ही ये चीज के ऊपर गाइस 100% बैन लग गया था। अब भाई आखिरकार ये बैन कैसे लगा, क्यों लगा और किस कारण से लगा और इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारे के सारे चीजें मैं तुम सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी रियली बैन लगा है कि नहीं लगा है, मैं तुम सभी लोगों को वीडियो में बताऊंगा ही। मैंने इससे भी पहले एक वीडियो बनाई थी ये वाली, लेकिन गाइस उसमें तुम सभी लोगों को बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स आया। तुम लोग इस वीडियो को तो पूरा तो देखे थे, लेकिन तुम लोग वीडियो को समझ नहीं पाए थे और उल्टा तुम लोग हमें को भी दो तीन को बोल दिए थे उसी के कमेंट सेक्शन में। हमने सबसे पहले तुम लोगों को बताया था कि जो फन स्कूल है बेब्लेड को अब इंडिया में इंपोर्ट नहीं करेगा और एक बेब्लेड का कॉस्ट 10 लाख रुपीज हो जाएगा, लेकिन तुम लोग में से बहुत लोग उस चीज को समझ ही नहीं पाए और मुझे ये वाला वीडियो बनाना पड़ा ताकि मैं तुम सभी लोगों को समझा सकूं कि आखिर का ये 10 लाख वाला किस्सा क्या है, हम लोग बेब्लेड को कैसे इंडिया में परचेस करें और ये फन स्कूल ने क्या आखिर का कर दिया। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना कोई बकवास के शुरू करते हैं। ये बात करेंगे कि आखिर का ये फन स्कूल का क्या कहानी है। मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी बेब्लेड्स हैं वे जापान में बनाए जाते हैं और उन सबको एक टकारा टॉमी नाम की कंपनी बनाती है। भले हैसब्रो भी बनाती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं टकारा टॉमी का, और तुम सभी लोगों को बता दूं कि टकारा टॉमी के 90% बेब्लेड इंडिया में आते हैं। तो तुम लोगों के अभी तक तो ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी बेब्लेड्स हैं वे सब के सब जापान में बनाए जाते हैं और उन सबको टकारा टॉमी नाम की एक कंपनी बनाती है। लेकिन गाइस कोई चीज होना तो चाहिए जो बेब्लेड को जापान से इंडिया तक इम्पोर्ट करे, तो वे काम हैसब्रो और फन स्कूल नाम की कुछ कंपनीज करती है। हैसब्रो ज्यादातर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आने वाले कंट्री सबको बेब्लेड एक्सपोर्ट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आने वाले कंट्री सब जैसे कि इंडिया, इन सभी जगह में फंड्स को इंपोर्ट करता है। लेकिन गाइस बेब्लेड कभी सेल ही नहीं हो रहा है इंडिया में। सो अब तुम सभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि आखिरकार ये फन स्कूल बेब्लेड को इंडिया में इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस सारी के सारी कंपनी प्रॉफिट चाहती है और अगर फन स्कूल बेब्लेड को जापान से इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो गाइस वहां पे कहीं ना कहीं फन स्कूल का भी फायदा होगा। तो गाइस फन स्कूल कोई बेवकूफ तो है नहीं जो बेब्लेड को जापान से इंडिया एक्सपोर्ट ना करे। लेकिन गाइस यहां पे सबसे मेजर रीजन ये आता है कि सेल नहीं हो रहा, मींस बेब्लेड को ज्यादा कोई इंडिया में खरीद नहीं रहा। मैं तुम सभी लोगों को एक परसेंटेज बताता हूं और ये परसेंटेज गाइस कंपनी टू कंपनी बदलते रहता है। हम लोग मान के चलते हैं कि फन स्कूल का सेलिंग परसेंटेज है 50%, मतलब जितना भी बेब्लेड्स लाएंगे उसका आधा यानी 50% 1 से 2 महीना के बीच में बिक जाना चाहिए, तब फन स्कूल को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये एवरेज कंप्लीट नहीं हो पाया, मीन 50% अगर बेब्लेड्स लोग 1 से 2 महीना में नहीं बेच पाए, तो गाइस फन स्कूल को लॉस होगा। और ये बस मैं तुम सभी लोगों को एक एग्जांपल बताया समझाने के लिए। तो गाइस वही चीज हो रहा है, बेब्लेड के जितने भी मर्चेंडाइज या फिर टॉयज है सेल ही नहीं हो रहे इंडिया में। सो गाइस प्रॉफिट ना होने के कारण और बेब्लेड का सेल ही नहीं होने के कारण स्कूल है उसने आखिर का डिसाइड कर लिया है कि बेब्लेड के मर्चेंडाइज को जापान से इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं। सो गाइस इसका रीजन ये है कि अब हम सभी लोगों को बेब्लेड का एक भी टॉय इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। जितने भी बेब्लेड के टॉय सब पहले ही इंडिया में आ चुके हैं, मींस पहले ही फन स्कूल उन सबको इम्पोर्ट कर चुका है। उन सभी का स्टॉक भले अभी और चलेगा 4 से 5 महीना, लेकिन शायद उसके बाद खत्म हो जाए स्टॉक और फिर उसके बाद हम सभी लोगों को एक भी रियल टकारा टॉमी बेब्लेड सब देखने के लिए नहीं मिलने वाले। तुम लोग में से मुझे बहुत लोग इस वाली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई अमेजोन से मंगवा लो, फ्लिपकार्ट से मंगवा लो, यहाँ तो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे 90% फेक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि तुम लोग ये पिक देख सकते हो, तुम सभी लोग देख सकते हो ये एक स्पार्किंग बेब्लेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग एक मेरा बात सुनो, जितने भी बेब्लेट सब जापान से आते हैं ये तो गाइस तुम सभी लोगों को पता है। लेकिन गाइस ऐसा होगा नहीं कि तुम सभी लोगों को अगर एक ब्रेव एल्ड्रेक मंगवाना हो तो तुम लोग एक जापान से मंगवाओगे, ऐसा गाइस कोई कंपनी नहीं करेगी। कोई कंपनी करेगी तो लोग बहुत सारे बेब्लेट्स को एक ही बार जापान से इंडिया लाएगी और वो काम कौन करता है, फन स्कूल करता है इंडिया में। फन स्कूल के अलावा और किसी को भी राइट नहीं है जापान से इंडिया बेब्लेट्स को इंपोर्ट करने का। जितने भी स्पार्किंग बेब्लेट्स, राइस बेब्लेट या टर्बो बेब्लेट अभी तक तुम सभी लोगों को अमेजोन या फ्लिपकार्ट में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे फेक है। 99% का ये फेक है, तुम लोग लिख के ले लो। अब भाई ये फेक क्यों है मैं तुम सभी लोगों को बताता हूँ कि बेब्लेट राइस मीन्स बेब्लेट GT, बेब्लेट स्पार्किंग या बेब्लेट डायनामाइट, इनमें से गाइस कोई भी सीजन अभी तक इंडिया में ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। और ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है मतलब गाइस इन बेब्लेट्स को कोई जानता ही नहीं है। अब भले ही तुम और हम जानते हैं, लेकिन गाइस फन स्कूल के नजर में तो हम लोग में से कोई नहीं जानता इन बेब्लेट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर
अगर तुम लोग को कोई भी स्पार्किंग बेबलेट या कोई भी टर्बो बेबलेट या फिर कोई भी राइस बेबलेट दिखेगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट में, तो गाइस तुम लोग आंख बंद करके उसको मत लेना। मतलब भाई तुम लोग लेना ही मत उसको, समझ लो, एक चीज समझ लो कि तुम लोग उसको लेना ही मत, क्योंकि फनस्कूल तब तक कोई बेबलेट इम्पोर्ट नहीं करेगा इंडिया में जब तक उसका एनिमे टीवी में गाइस ब्रॉडकास्ट नहीं हो गया हो। सो गाइस इट मींस का स्पार्किंग अभी तक इंडिया में नहीं दिया है, मींस अगर स्पार्किंग का एनिमे अभी तक इंडिया में नहीं दिया है तो गाइस हम लोग को कभी भी स्पार्किंग के ऑफिशियल बेबलेट सब अमेजोन या फ्लिपकार्ट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तुम लोग में से भाई बहुत लोग बहुत ज्यादा महान व्यक्ति होंगे जो इस वीडियो में मुझे बहुत सारे लिंक्स भेजने वाले हैं कि देखो भाई ये सब रियल बेबलेट है, टकरा टॉमी का लोगो भी इसमें छपा हुआ है, तो आखिर का ये बेबलेट फेक कैसे हो सकता है। तो मैं उन सबको बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर स्पार्किंग बेबलेट है या कोई जीटी का बेबलेट है तो भाई वो 100% फेक है। अगर कोई कंपनी बेबलेट को हुबहू कॉपी कर सकती है तो उस ब्रांड का लोगो को कॉपी करना का कौन सी बड़ी बात है। और ये टॉपिक को खत्म होते हुए बस मैं तुम सभी लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि बस टर्बो के ही कुछ बेबलेट सब तुम लोग को रियल दिखने के लिए मिल सकते हैं फ्लिपकार्ट में, बाकी का स्पार्किंग और जीटी की बेबलेट तुम लोगों को कभी भी रियल दिखने के लिए नहीं मिलेंगे फ्लिपकार्ट में या फिर अमेजोन में। भले के 1% चांस है लेकिन 99% चांस है कि तुम सभी लोग ठगे ही जाओगे और वे सारे के सारे बेबलेट्स फेक होंगे। स्पार्किंग और जीटी का बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक वे सीरीज सब इंडिया में नहीं आए हैं। तो गाइस इतना ज्ञान देने के बाद तुम सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि तुम लोग आखिरकार ये बेबलेट सब कैसे बाय कर सकते हो। सो मैंने नीचे एक व्हाट्सएप शॉप का लिंक दिया हुआ है जहाँ से तुम लोग कुछ स्पेसिफिक बेबलेट सबको बाय कर सकते हो, और इन बेबलेट में से तुम सभी लोगों को डायनामाइट बेलाल, ब्रेव वेल्ट्रियक और भी बहुत सारे बेबलेट सब दिख जाएंगे। सो गाइस एंड में तो मैं तुम सभी लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम लोग में से जिन जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, और तुम लोग में से जो जो लोग रट लगा के बैठे हैं कि भाई तुम लोग को मुझे गलत साबित करना ही है, तो भाई तुम सभी लोगों को कोई नहीं समझा सकता तुम लोग। सो भाई बस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।